नयापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध देशी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया है। आरोपी संभवतः किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से पकड़ में आ गया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध हथियार रखने वाले मुलजिमों के विरुद्ध अभियान चला रखा है। नयापुर थानाधिकारी क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं, इसी दौरान उन्हें एक बदमाश के बारे में सूचना मिली जिसके पास हथियार था और किसी भी वो वारदात को अंजाम दे सकता था। सूचना पर पुलिस ने शिवनगर पार्क के पास दबिश देकर आरोपी मोहम्मद हलीम निवासी शिवनगर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से हथियार की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ बोरखेड़ा थाने में पूर्व में मारपीट के दो गंभीर मामले दर्ज हैं। कल शाम को हम गश्त कर रहे थे, उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति शिवनगर पार्क में खड़ा है जिसके पास हथियार होने की संभावना है, जिस पर हम उसको पकड़ा और उसके पास एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला जिसको गिरफ्तार कर थाने लाए। अभी इसमें उससे पूछताछ चल रही है, किससे जो देसी कट्टा जो लेके आया।